Welcome back, dear viewers. We are discussing Plus One Biology, Chapter Number 5, that is Morphology of Flowering Plants. Today we will discuss about the Androecium and Gynoecium. पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में शुरू की थी चर्चा, उसमें कैलिक्स और कोरोला के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम Androecium और Gynoecium के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले Androecium। Androecium जो है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। So and it is composed of stamens. कलेक्टिव टर्म फॉर स्टेमन इज Androecium, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रत्येक स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दर्शाता है और प्रत्येक स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक उसकी स्टॉक जिसको हम फिलामेंट कहते हैं और दूसरा ऊपर लोब स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम एंथर कहते हैं। एंथर जो है वो जनरली बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होते हैं। बाइलोब्ड और उसमें एक लोब में दो चैम्बर मीन्स टोटल उसमें चार चैम्बर होंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे टेट्रास्प्रेंजिएट। कई एंथर जो है वो उनमें एक ही लोब होती है, उनको मोनोथिकस कहते हैं और उनमें दो ही चैम्बर होंगे, तो उस कंडीशन में जो एंथर है वो बाइस्प्रेंजिएट होगा। तो जो चैम्बर है उनको पोलन सैक्स भी कहते हैं, उनको माइक्रोस्प्रेंजिया भी कहते हैं। माइक्रोस्प्रेंजिया या पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। The pollen grains are produced in pollen sacs. कई बार stamen जो है वो sterile होते हैं, तो sterile stamen को हम staminode कहते हैं। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves. तो जो stamen है flower के, वो flower के दूसरे part के साथ जैसे calyx या corolla के साथ भी fuse कर सकते हैं, या आपस में भी एक दूसरे से fuse कर सकते हैं। तो जब ऐसा fusion होता है, तो अलग-अलग condition arise होती हैं। तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे। When the stamens are attached to the petals, they are called epipetalous, जैसा कि ब्रिंजल में होता है, और epiphyllous when attached to the perianth, अगर perianth के साथ attached हों, तो उस कंडीशन को epiphyllous कहते हैं, जैसे लिली के फ्लावर्स। The stamens in a flower may either remain free or may be united in varying degree. अब जो stamens हैं वो आपस में अगर तो free हैं तो polyandrous condition कहलाती है, अगर वो united हैं तो वो अलग अलग, उसमें तीन condition होती हैं जब आपस में वो join करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ question of stamens, ये तीन प्रकार का है, adolphous, syngenesious and synandrous। adolphous condition में क्या होता है, जो stamen है सिर्फ उनकी filament ही fuse करती हैं, जो anther lobe हैं वो free रहती हैं। So stamens are fused in the region of their filaments only. So depending upon the number of groups formed, अब कितने ग्रुप बनते हैं फ्यूजन के बाद, एक ग्रुप बनता है तो मोनोडल्फस कंडीशन होती है। The stamens may be united into one bunch or one bundle, as in case of China rose. China rose का अगर हम फ्लावर देखेंगे तो उसमें मोनोडल्फस कंडीशन होती है, मीन्स जितने भी stamens हैं उन सभी की फिलामेंट्स जो है वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं और एक ही ग्रुप की फॉर्मेशन करती हैं। दूसरी कंडीशन है डाइडल्फस। डाई मींस टू, स्टेमन्स यूनाइटेड टू फॉर्म टू बंडल्स एज इन केस ऑफ पी। पी के फ्लावर को अगर हम देखेंगे तो उसमें दो बंडल्स होते हैं, उनमें यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखेंगे दो बंडल है, इसमें एक जो है स्टेमन वो अलग है, बाकी जो नाइन स्टेमन देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नाइन स्टेमन जो है वो फ्यूज करके दूसरा ग्रुप बनाते हैं, तो दो ग्रुप इसमें होते हैं, इस कंडीशन को डाइडल्फस कहते हैं। और तीसरी कंडीशन है पॉलीडल्फस, जिसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो स्टेमन्स यूनाइटेड टू फॉर्म मोर देन टू बंडल्स एज इन केस ऑफ सिट्रस। दूसरी है आगे सिंजेनेसिस कंडीशन। ऑल द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड बाय देयर एंथर्स ओनली टू फॉर्म ए ट्यूब अराउंड द स्टाइल। जब एंथर फ्यूज हों, फिलामेंट्स फ्री रहें, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंजेनेसिस कंडीशन है, जैसे सनफ्लावर है, ये देखेंगे आप, इसमें देखेंगे फिलामेंट्स जो है वो फ्री हैं, लेकिन जो एंथर लोब है वो आपस में फ्यूज कर गए। तीसरी कंडीशन है साइनेंड्रस, इसमें स्टेमन्स आर फ्यूज्ड इन द रीजन ऑफ बोथ देयर फिलामेंट्स एंड एंथर। तो जो फ्यूजन होता है स्टेमन का, उसमें फिलामेंट और एंथर दोनों ही फ्यूज कर जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये, जैसे कुकर बीटा है और लूफा है। तो ये तीन प्रकार का इसमें कोहेजन होता है स्टेमन्स। दे मे बी वेरिएशन, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन ए फ्लावर।
जो फ्लावर है उसमें फिलामेंट की जो लेंथ है उसमें पीरिशन हो सकती है, जैसे साल्विया है, मस्टर्ड है। नेक्स्ट वन इज गाइनोइशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। गाइनोइशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। तो उसके जो इंडिविजुअल यूनिट है उनको कार्पल्स बोलते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। प्रत्येक कार्पल या पिस्टल जो है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। जो ओव्यूल है वो बेसल पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, एनलार्ज्ड पार्ट है। उसके ऊपर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको स्टाइल कहते हैं। जो स्टाइल होती है वो आगे टर्मिनेट करती है स्टिग्मा में। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करते हैं और वहां पर अगर कंपैटिबल हुए तो पॉलन ग्रेन फिर जर्मिनेट करेंगे और पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के रास्ते होती हुई फिर नीचे ओवरी तक पहुंचती है। ओवरी में ओव्यूल होते हैं और पॉलन ट्यूब में से मेल गैमेट निकलते हैं और ओवरी के अंदर वहां एग होता है तो उसके साथ फ्यूजन होता है। ईच ओवरी bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. तो प्रत्येक ओवरी में एक या एक से अधिक ovules होते हैं जो कि placenta द्वारा attach होते हैं ovary wall से। When more than one carpel is present, अब एक से ज्यादा carpel हैं तो दो condition होंगी, या तो वो free होंगे या fused होंगे। अगर तो वो free है तो condition कहलाती है apocarpus, जैसा कि lotus और rose में होता है। और अगर वो fused हैं कार्पल तो कंडीशन कहलाती है सिन कार्पस। सिन मींस फ्यूज, तो कार्पल जो है वो फ्यूज्ड होते हैं जैसा कि मस्टर्ड और टोमेटो में होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में मैच्योर हो जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप कर जाते हैं। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के वो वितर अभी हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, उसमें जो कैलिक्स है वो परसिस्टेंट रहता है। तो उनके अलावा ये दो तीन एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी सारे फ्लावर पार्ट्स जो हैं वो बल्ब जो है वो झड़ जाते हैं। ओवरी और ओवरी मैच्योर हो जाती है फ्रूट में और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप कर जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।